नमस्कार, स्टीक बात सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। ये सीधी तस्वीरें जी हां, बिरला मंदिर चौक से सीधी तस्वीरें हमारे, हम आपको सीधा बार बार यही तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं जरा सुनिए। रात को जी हां, रात को कल रात बारिश बहुत तेज हुई, तो यहीं पर विधायक सुभाष सुधा पूरे प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर रात को 1:30 बजे आए लोगों की समस्या सुनने के लिए। ये हमें पड़ोसियों ने बताया, जी हाँ पड़ोसियों ने बताया, रात को 1:30 बजे सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पर लोगों के घर में पानी घुस चुका था और दुकानों में पानी घुसो, रात को 1:30 बजे लोग बहुत परेशान हो चुके थे और विधायक को फ़ोन किया, तुरंत विधायक सुभाष सुधा यहाँ पर आए बिरला मंदिर चौक पर। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के पड़ोसी हैं, तो उन्होंने हम उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कितने बजे रात को विधायक? सर रात को ऐसे है, बारिश आई थी 12:15 के करीब। बारिश होने के बाद पानी का फ्लो जोन से जाट धर्मशाला का पानी का फ्लो है सारा इस तरफ हुआ हुआ है, उससे यहाँ पर दुकानों में मकानों के अंदर पानी चला गया। हमने प्रशासनिक जोन से अधिकारी हैं उनको फ़ोन किया, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। बाद में हमने विधायक जी को फ़ोन किया, विधायक जी को फ़ोन करने के 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ पहुँचे, उनके साथ ही बाद में प्रशासन भी आया। और प्रशासन के आते ही उन्होंने वो 1:15 से लेके सुबह 4:30 बजे तक सारे यहाँ का पानी पंप वगैरह निकलवा के सारा पानी निकलवाया, उन्होंने खुद ही यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं तभी वो काम हो पाया। तो सर क्या कहना चाहेंगे, विधायक जी रात को यहाँ पर आए? विधायक जी तो बारिश बड़ी तेज थी जी, गोड्डे तो पानी था जी, दुकान में भी पानी भर गया मेरी में जी। दोबारा 4 बजे तक तो मैंने पानी निकाला जी, विधायक जी आए 1:30 बजे के करीब आ गए थे जी यहाँ पे, जब तक खड़े रहे जब तक उन्होंने पानी नहीं निकलवाया जी। तो पवन जी क्या कहना चाहेंगे, विधायक जी रात को 1:30 बजे आए यहाँ पर? ऐसा है ना जी, 14 तारीख को जब हमारा दुकान में पानी यहाँ बढ़ा था तो यहाँ कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ जाम लगाया था। जाम लगाने के बाद तो यहाँ प्रशासन को फ़ोन किया, यहाँ पर कोई नहीं आया, तो विधायक जी आए, विधायक जी ने आके यहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध करवाया तो पानी निकला, जबकि मेरी दुकान का यहाँ 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो आश्वासन दे के चले गए विधायक जी, क्या भाई हम आपको इसका मुआवजा दिलवाएंगे। तो आज हमने विधायक जी को एप्लीकेशन दे दी है, तो वो आश्वासन दिया है कि उन्होंने आपका मुआवजा जरूर मिलेगा। और रात को जो 1 बजे यहाँ पर पानी इतना ज़ोर से फ्लो आया कि इतना बुरा हाल हो गया कि हमने प्रशासन को फ़ोन किया, SDO को फ़ोन किया, तो किसी ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो विधायक जी आए यहाँ पर आके, उन्होंने एकदम यहाँ से आके पानी को रुकवाया। और उनका मैं विधायक जी का इतना धन्यवाद करता हूँ कि रात को 1:30 बजे जो विधायक आके इतनी बढ़िया बात करे और वो आके यहाँ सुनाई करे, तो मैं विधायक जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। चलो विधायक जी, अच्छी बात है, आप लोगों की समस्या सुनने के लिए बार बार यहाँ पर आ रहे हो। और ये गली का जी हाँ समाधान यह पक्का किया जा रहा है, यहाँ पर आप सीवरेज डलेगा जी हाँ, पाइप डलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जो फ्लो है वो सीधा लोगों के घर में जाता है। हम यहाँ पर कुछ यहाँ की गृहणियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर। ये सीधी तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते हैं, क्या कहेंगे बहन जी, विधायक जी रात को 1:30 बजे यहाँ पर आए समस्या? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, लेकिन परेशान तो हम हुए, पानी एकदम आया जी, 2-3 मिनट के अंदर सारा घर भर गया जी, लेकिन जैसे हमने फ़ोन किया तुरंत फ़ोन उठा लिया उन्होंने, तो उसके बाद वो 4-5 बजे तक यहीं रहे हैं जी, सारा खड़े रहे, बारिश आ रही उनके ऊपर गिरी, सारी बारिश में खड़े रहे वो लगातार। इसका पक्का पूरा क्या है समस्या? पक्का वो कर रहे हैं जी, वो कह रहे आश्वासन दिया है उन्होंने भी, हम पक्का सलेशन इसका निकालेंगे, करवा रहे हैं, काम शुरू करवा दिया है उन्होंने, लेकिन बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे रिलेटिव भी है MLA, वो भी शायद ऐसा काम ना करते जो उन्होंने किया है। बहन जी ने कहा भाई विधायक यहाँ पर आए, तो शर्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे, विधायक जी यहाँ पर रात को आए? नहीं रात को आए जी, बुलाया उनको, मेरे ख्याल से 37 साल की मेरी सर्विस होगी सरकारी, और इतना ही तजर्बा मेरा राजनीति के बिल्कुल, मैंने ऐसे कोई विधायक नहीं देखा कि जो एक ही कॉल पे रात को पहुँचे। आके उन्होंने इतना बहुत जरूर किया कि आते ही अधिकारियों को फ़ोन किया, जो उम्मीद थी, साथ ही अधिकारी भी सारे आए, राजू जी हैं उनके पीए, इनको मैंने 1 बजे फ़ोन किया था, ये 1:10 के आसपास लगभग चौक में पहुँच चुके थे। जय मैडम भी अभी तक बैठी हुई है, रात को 1:30 बजे आ चुकी थी जय जी। हाँ जय मैडम अभी आपके सामने बैठी हुई है यहाँ पे, ये सोल्यूशन निकाला है क्योंकि बरसात का मौसम है, कि अगर पूरे इसको नाले खोद देंगे उसका टाइम लंबा लगे, कि अभी इस गली में पानी ना आए, निवासी परेशान ना हो, इसको 1 फुट ऊपर उठा दिया जाए ताकि सड़क का पानी ना आए, गली के पानी से हमारे को कोई परेशानी नहीं है, वो पानी हमारा समुद्री चलता रहता है। तो हमारे साथ और कुछ परिवार भी हैं, बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, विधायक जी रात को 1:30 बजे यहाँ पर आए और आपकी समस्या का जो हल किया है विधायक जी ने, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे विधायक हमने पहली बार देखा है जो प्रशंसा के लायक है, जो एक बार टेलीफोन करने से ही हमारे बीच में आ गए। हमने अधिकारियों को कर्मचारियों को टेलीफोन बहुत किए लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। नगर निगम वाले तो आते नहीं भाई, हमारी बेइज्जती होगी वहाँ, क्योंकि नालों की सफाई नहीं है। हैं बिरला मंदिर का इतना बुरा हाल है, घरों में पानी बढ़ गया, हमारे दीवान 3-4 खराब हो गए, 20-25 हज़ार का नुकसान है। विधायक जी ने थोड़ा हमारे ऊपर वो
सांत्वना तो दी है भाई, आपका भरपाई हम पूरी करेंगे, मुआवजे की भरपाई जो है। हाँ जी, दुकानदारों की चीनी चावल चाय पत्ती सारा नुकसान 50,000 का हो गया है, लेकिन विधायक जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, और अब हमारी गली में टेपर बनवा रहे हैं भाई, गली का पानी गली में रहेगा और वापस बाहर का पानी नहीं आएगा, इसलिए हमें का पानी सर गली में नहीं, गली का पानी बाहर जाएगा। हाँ नहीं, उसमें वो टेप वो लगवा रहे हैं ना, पाइप लगवा के तो सारा काम करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है जी। माता जी क्या कहेंगे विधायक जी, रात को आएगा? अच्छा चलो, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गली का जो काम है वो रात से ही शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की जो जेई हैं वो रात के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो जेई मैम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे रात को विधायक जी यहाँ पर आए और रात को पूरे प्रशासनिक अमले के साथ, तो मैम इसका पूरा जो समस्या का हल है वो कैसे किया जाएगा, क्या कहेंगे? मैंने सुबह से ही ठेकेदार को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और वो अपना भी काम शुरू कर रहे हैं साथ के साथ। उसमें क्या है कि जो हमारा ये PWD जो रोड बना रही है, तो उसका जो पानी है सारा वो इस गली में एंटर हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक हम लोग थोड़ा टेपर में उसको रैंप बना के, ताकि उस सड़क का पानी वहाँ पे ना आए, वो करके, और उसके मतलब कि जो रैंप है अंडरग्राउंड, हम लोग एक PVC 6 इंची पाइप डाल देंगे, ताकि इस गली का जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा वो भी वहाँ पे ना हो। तो दोनों प्रॉब्लम एक साथ ही हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए, साथ ही आपने देखा होगा भी हमारे मिस्त्री और ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी कोई आगे से जो भी बारिश होगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी जेई मैम हमारे साथ यहाँ पर, उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे से, अंडरग्राउंड यहाँ पर पाइप की समस्या को दूर किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। विधायक जी अच्छी बात है, आप जनता के बीच में आए रात को 1:30 बजे, मगर हम बार बार आपको एक गौवंश की, जी हाँ गौवंश की बहुत बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाएं हैं, रात को जो गौवंश जो सड़कों पर बैठता है, रात को गौवंश सड़कों पर बैठे एक्सीडेंट होता है, तो इसके बारे में भी विधायक जी थोड़ा संज्ञान लीजिए और इसका भी समाधान कीजिए, क्योंकि रात को एक्सीडेंट बहुत होते हैं गौवंश की वजह से, गौवंश की वजह से भी बहुत यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं विधायक जी। और ये तो अच्छी बात है आप लोगों की समस्या सुनने के लिए आए और गौवंश का भी समाधान कीजिएगा। ये ठीक बात सीधी बात न्यूज चैनल एक रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे विधायक जी, क्योंकि आपकी सभी अधिकारी सुनते हैं, मगर गौवंश का जो है वो गौवंश का समाधान जरूर कीजिए, क्योंकि गौवंश हमारे लिए समस्या नहीं है, हमें इनका समाधान करना है। लोगों को एक्सीडेंट होता है और बेचारे गंदगी में मुंह मारते हैं गौवंश। अच्छी बात है आप यहाँ पर आए सुनने के लिए लोगों की समस्याएं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। रात को 1:30 बजे विधायक पूरे प्रशासनिक अमलों के साथ यहाँ पर विधायक सुभाष सुधा, जहाँ ये सीधी बात ठीक बात पर आप सुन सकते हैं, विधायक सुभाष सुधा यहाँ पर बिरला मंदिर चौक पर रात को 1:30 बजे पूरे प्रशासनिक अमले के साथ यहां पर आए और उन्होंने लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लिया। तो यहां पर रात को बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और कम से कम 2-2 फुट यहां पर इस गली के अंदर पानी हो चुका था, तो तुरंत प्रभाव से यहां से ठेकेदार और मिस्त्री के साथ यहां पर देखिए काम शुरू करवा दिया गया है। तो जई मैडम हमने जिनका लाइव लिया है वो म्यूनसिपल कमेटी की जई हैं, वो रात की यहाँ पर बैठी हैं, जहाँ विधायक जी के साथ खुद आए थे यहाँ पर 1:30 बजे के, यहाँ पर सुबह 4 बजे विधायक यहां से गए हैं। जी हां, सुबह 4 बजे यहां से विधायक गए हैं पूरी समस्या का, यहां से बारिश का जो पानी निकलवा कर यहां से, जी हां बारिश का पानी। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। जैसे यहां पर विधायक की जो प्रशंसा हो रही है, जी हां विधायक जी अगर जो हर समस्या का हल ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सिर्फ गौवंश के बारे में, जी हां एक गौवंश के बारे में, जी हां जरूर सुनिएगा गौवंश। जी हाँ, गौवंश जो है वो बहुत बड़ा पुण्य का कर्म है, जो रात को गौवंश जो बैठते हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। बने रहिए इस ठीक बात सीधी बात पर राहुल शर्मा के साथ और तमाम खबरों के साथ आपको मिलते हैं।